Hi guys, welcome back to my channel Sumi's tutorial. Happy Holi in advance. आप सब सेफ और हैप्पी होली मनाओ, बट साथ ही साथ आपको अपने स्किन और हेयर का ख्याल तो रखना है. तो मैं आज आपको कुछ हैक्स बताने वाली हूँ जो आपके होली के फेस्टिव सीजन के इंजॉयमेंट को और भी डबल कर देगा, क्योंकि इस हैक से आप अपने स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे, उसके टेंशन को भूल जाओगे और खुलकर इंजॉय करोगे. आपको अपने हेयर और स्किन का ख्याल रखना है, साथ ही साथ आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है. तो ये हैक्स को ज़रूर फॉलो करें और इस होली को बहुत ही इंजॉय करें. उससे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ सेफ होली खेलें, इको फ्रेंडली होली खेलें. अपने आप को हार्मफुल केमिकल से बिल्कुल ना रंगें, क्योंकि वो आपकी स्किन आपके हेयर को डैमेज करेगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट था आप लोगों से. बाकी मैं आप लोगों को टिप्स तो दे दूंगी जिसे आई नो आप श्योरली फॉलो करने वाले हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. ड्राई शैम्पूड बालों में होली खेलने बिल्कुल भी ना जाए. उससे पहले कोकोनट ऑयल या आपके कोई भी फेवरेट ऑयल से अपने बालों पे हल्का सा आप लेयर बना ले, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों में बन जाए और जब होली आपके बालों में लगे तो वो इजीली रिमूव भी हो जाए. इससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, मैनेजेबल रहेंगे और एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाएगा आपके बालों में, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे. आप अपने बालों को होली के रंगों से बचाने के लिए बिनी कैप का भी यूज़ कर सकते हो. इससे आपके बालों में बिल्कुल भी कलर नहीं लगेगा और आप खुल के इंजॉय कर पाओगे. होली खेलते वक्त कोई भी ओपन हेयर स्टाइल बिल्कुल भी ना बनाए. आप बन बना ले, कोई भी हेयर स्टाइल बन बना ले आप, या आप चोटी बना ले. इससे आपके बाल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप स्टाइलिश भी लगोगे. आप अपने बालों को होली से बचाने के लिए स्कार्फ का भी यूज कर सकते हो. इसे आप अपने पूरे बालों पे अच्छे से टाई कर लें. इससे आप स्टाइलिश भी लगोगे और आपके बाल प्रोटेक्टेड भी रहेंगे. अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ आमंड ऑयल का यूज करूंगी. इसे आप अपने हाथ पैर जो भी एक्सपोज एरिया होगा आपके बॉडी का अब वहाँ पे अप्लाई कर ले, ताकि अगर आपके बॉडी में रंग लग जाए तो वो इजीली छूट जाएगा और आपके बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहेगा. होली खेलते वक्त कपड़ों का ध्यान रखें. आप 3/4 या हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी ना पहने, हमेशा फुल स्लीव्स पहने ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टिव. अपने नेल्स को होली के रंगों से बचाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया हैक है. होली का कलर नाखून से जल्दी छूटता नहीं है, इसीलिए मैं अपने नेल्स को बचाने के लिए ऑलरेडी इसमें नेल पॉलिश अप्लाई करके रखा है. और आप अपने फिंगर्स के ऊपर के लेयर में वैसलीन लगा लें, ताकि कलर्स अगर आपके नाखूनों के बीच में चला जाए तो वो ईजिली रिमूव हो जाए. होली के बिफोर एंड आफ्टर शेविंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल कुछ भी ना करें. अगर आपको करना है तो आप 3 दिन पहले कर लें. होली खेलते वक्त उस
का रंग आंखों में ना जाए इसीलिए आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस पहन ले और इसे आप खुल के एंजॉय कर सकते हो। होली खेलने के बाद आप हेयर वॉश जरूर करें वरना आपके बाल खराब हो जाएंगे। आप अपने बालों को पहले नॉर्मल वाटर से धो लें और उसके बाद आप शैम्पू करें। शैम्पू आपको ट्वाइस करना है, पहले अच्छे से शैम्पू करके धो लेना है, फिर उसके बाद दोबारा से शैम्पू करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा डर्ट ऑयल या कलर हो जाए वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप कंडीशनर लगा लें एंड आफ्टर दैट आप कोई भी अपने पसंद का सीरम लगा लें। अपने लिप्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप कोई भी विथ SPF लिप बाम लगा लें, इससे आपके लिप्स ड्राई भी नहीं होंगे और साथ ही साथ ये आपके लिप्स को यूवी रेज से प्रोटेक्टेड भी रखेगा। होली खेलने से पहले हमें सेल्फीज लेना बहुत ही पसंद है, बट होली में हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्टेड रखें, इसके लिए हम कोकोनट ऑयल लगाएं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसके लिए मेरे पास ज़बरदस्त हैक है। आप कोई भी अपने पसंद का मॉइस्चराइज़र लगा लें अपने फेस पे, इससे आपके स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा जिससे होली का रंग सीधे सीधे आपके स्किन में डायरेक्ट नहीं लगेगा और साथ ही आप धूप से अपनी स्किन को बचाने के लिए SPF का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपकी स्किन धूप से भी प्रोटेक्टेड रहेगी और सिर्फ फेस नहीं आपको अपने हाथ पैर जो भी एक्सपोज एरिया है वहाँ पर आपको सनस्क्रीन लगाना है। होली खेलने के बाद जब आप अपने आप को देखते हो तो आप सोचते हो अब इन रंगों से छुटकारा कैसे मिलेगा। इसके लिए आप कोई भी मिल्क क्लींजर यूज़ कर ले या कोकोनट ऑयल यूज़ कर ले। इसे आप अच्छे से फेस पे मसाज करें और आपका होली का कलर चुटकियों में निकल जाएगा। उसके बाद आप अपने फेस को कोई भी अपने पसंद का फेस वॉश से अच्छे से धो लें। अब मैं अपना इंस्टेंट फेस पैक रेडी कर लूंगी, तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक चम्मच हनी ले लूंगी, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये हो गया मेरा फेस पैक रेडी। अब मैं इसे अपनी स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ताकि जो भी कलर एक्स्ट्रा मेरी स्किन पे रह गया है वो भी इजीली रिमूव हो जाए और मेरी स्किन को एक प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाए, एक ब्राइटनेस ग्लोइंग स्किन हो जाए। और अब मैं इस फेस पैक को 10 टू 15 मिनट्स के बाद वॉश कर लूँगी। आई होप आपको मेरे ये हैक्स पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।